हे गाइस, आपका स्वागत है सूरज स्पॉटिंग्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईएसएल हिस्ट्री के सबसे यंग गोलदाता के बारे में, जो कोई अपरिचित मोहताज नहीं बल्कि हर फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में राज करते हैं, जिसे हम लोग गोरखमुखी के नाम से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, गौरवमुखी का जन्म 20 मार्च 1998 को झारखंड राज्य के धाकड़ शहर में हुआ था। पेशे से वह एक परिचित फुटबॉलर हैं और फुटबॉल के क्षेत्र में सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका निभाते हैं और ये जर्सी नंबर 20 पहनते हैं। मुखी का फुटबॉल करियर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। मुखी जब जेम्स की तरफ से खेलते थे तब बेंगलोर के खिलाफ आईएसएल सीजन 2018-19 में गोल करके आईएसएल का सबसे यंग गोल स्कोरर बने थे, लेकिन बाद में उसके खिलाफ एज फ्रॉड का केस दर्ज हुआ और मुखी के जीवन में 6 महीने का ग्रहण लग गया, यानी 6 महीने तक अब वो फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। 6 महीनों का प्रतिबंध झेलने के बाद जब जमशेदपुर एफसी के लिए वापसी की तो इस सीजन उन्हें खेलने को नहीं दिया गया। बाद में कोच एंटोनियो का कहना था कि गौरवमुखी को डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें जमशेदपुर एफसी से बाहर किया गया। अब उसका फैसला क्लब लेगी। इसके बाद मोहम्मद अन एससी ने मुखी को अपनी टीम में शामिल किया। उन्हें आई लीग में 6 मैच खेलने का मौका दिया गया, जिसमें उससे केवल 1 असिस्ट ही कर पाए। मुखी का प्रदर्शन निराशजनक रहा है अब तक। हम दुआ करते हैं कि वह पहले की तरह अच्छा प्रदर्शन करे और ढेर सारे गोल करे आई लीग में। तो फ्रेंड, आपको गौरवमुखी के बारे में जानकारी कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। साथ ही अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।